सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो गाइज, आज की प्लान कुछ इस तरह से है कि आज हमारी राइड है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद। तो हमें आगे दो राइडर और भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं सीधा आपको हेलमेट के सेटअप के साथ। सो गाइज, आज के हम अपने हेलमेट के सेटअप के साथ। और गाइज, व्यू चेक करो यार, आज तो वेदर कुछ ज़्यादा सही हो रखा है। पिछले दो तीन दिनों से ना लगातार बारिश हो जा रही थी, लेकिन बरसात में नहीं, ये ग्रीनरी कुछ डेंजरस भी हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे ना हर तरफ पानी पानी आ जाता है और पानी से बाइक वगैरह ज़्यादा स्किड होती है। लेकिन यहाँ के ना मतलब व्यू बहुत सही आते हैं, देख सकते हो गाइस, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। गाइस, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, जल्दी आपके लिए एक ऑफ रोड ब्लॉग भी लेके आएंगे। तो गाइस बताना मतलब आपको ऑफ रोड ब्लॉग कैसे मतलब कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑफ रोड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, हम ऑफ रोड ही किया करेंगे ज़्यादातर, इधर बहुत ज़्यादा पैच है ऑफ रोड के लिए भी, मतलब ऑफ रोड वीडियो भी अच्छी खासी निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो थोड़ा सा अभी, तो कमेंट करके जरूर बताना यार कि ऑफ रोड के ऊपर वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर जंगल वगैरह बहुत, तो हम जंगल में भी मतलब ऑफ रोड टाइप वीडियो बना सकते हैं। सो आपको जैसी भी वीडियो चाहिए होती है ना, मेरे को कमेंट करके बताया करो यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह की मैं वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़ गाइज, मेरे को थोड़ा बताया करो कि मतलब क्या करूँ मैं, ठीक है, डाउट जितने सही हो जाते हैं। और हिमाचल में तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। बच गया, जल्दी आपके लिए एक ऑफ रोड ब्लॉग भी लेके आएंगे। तो गाइस बताना मतलब आपको ऑफ रोड ब्लॉग कैसे मतलब कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑफ रोड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, हम ऑफ रोड ही किया करेंगे ज़्यादातर, इधर बहुत ज़्यादा पैच है ऑफ रोड के लिए भी, मतलब ऑफ रोड वीडियो भी अच्छी खासी निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो थोड़ा सा अभी, तो कमेंट करके जरूर बताना यार कि ऑफ रोड के ऊपर वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर जंगल वगैरह बहुत, तो हम जंगल में भी मतलब ऑफ रोड टाइप वीडियो बना सकते हैं। सो आपको जैसी भी वीडियो चाहिए होती है ना, मेरे को कमेंट करके बताया करो यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह की मैं वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़ गाइज, मेरे को थोड़ा बताया करो कि मतलब क्या करूँ मैं, ठीक है। बंदों से लेते हैं वोट है कि इन्होंने खतरनाक ये ट्रिपली की हुई है, पर हेलमेट वगैरह किसी ने नहीं डाला हुआ है। सो गाइज, ये गलत बात होती है, हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, अपनी सेफ्टी होती है उससे। तो जल्दी से इनको करते हैं पीछे यार। ओहो अंकल धीरे, अंकल पूरा रॉन्ग साइड चला हुआ था, देखो जा रहे हैं। सो गाइस, मैं आगे का व्यू बताऊंगा आपको, मतलब इतना सही होता है ना, वो एकदम से ऐसा लगता है टॉप में आ गए हैं हम, तो उधर का व्यू कुछ ज़्यादा सही आता है, मतलब पूरी मतलब चार ओर दिखाई देता है उससे, तो वो ज़्यादा सही लगता है। थोड़ा यहाँ के रास्तों की कंडीशन थोड़ी ख़राब है गाइस, वो वाली लोकेशन आ चुकी है, चेक करो यार क्या ही लग रही है यार, सामने तक दिखाई देता है यहाँ से, और अंकल मेरे को ही देखे जा रहे हैं। तो गाइस चेक करो यार, खतरनाक सीन है यार, खतरनाक व्यू है यहाँ का। गाइस इस व्यू से ना मतलब कुछ अलग सा लगाव है मेरे को पहाड़ों में, मतलब कितना ही सही है, क्या ही बोलूँ मैं, तुझे एक्सप्लेन नहीं होता इसकी ब्यूटी। सो भाई से बात हो चुकी है, तो भाई आके खड़ा हुआ है, भाई चेक करते कि वो कहाँ पे खड़े हैं। बोरा भाई, तो भाई भी मिल चुका है, बड़का श्री डेविल भाई को है, बढ़िया बढ़िया। तो गाइज भी थोड़ी देर में हमारी राइड स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो डोमिनार आई है हमारे साथ। तो गाइज अभी हमारी राइड शुरू हो चुकी है, तो ये पता नहीं कहाँ से होके लेके जा रहे हैं, हम अगले वाले बंदों के साथ चलते हैं। सो एडिक राइडर पीछे आ रहा है, भाई बड़ी जल्दी लगी रहती है इनको। सो इधर थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कहीं से भी आ जाता है। सो गाइस देख सकते हो आगे दो बाइक चल रही है हमारे साथ, तो ये फुल अग्रेसिव चल रहे हैं यार।
क्योंकि हमें ये NS वाला भाई लीड कर रहा है। भाई एडिक राइडर बहुत पीछे रह चुका है, सो आई डोंट नो उसे रास्ता मालूम है या नहीं है। सो क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा है। तो वो अभी भी नहीं आ रहा यार, तो उसको आगे जाके कॉल ही करते हैं। तो आज की राइड बहुत तगड़ी रहने वाली है, अभी तक तो ऐसा फील आ रहा है। बाकी चेक करते हैं आगे जाके कि क्या होता है। और ऊपर की तरफ मेरे को बादल भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं बारिश का कोई सीन ना पड़ जाए। बाकी तो सब ठीक है। आज का वेदर स्टार्टिंग से तो मतलब बहुत सही था, लेकिन बाकी बाद का तो क्या ही पता हो सकता है, क्या ही होगा। सो हमारा एक बाइकर पीछे रह चुका है, वो गलत रास्ते में जा चुका है। सो हमने काफ़ी वेट करा, लेकिन अभी हमने दूसरे रास्ते से भेज दिए हैं। तो गाइस उससे आगे मिलते हैं जाके, हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो चुका है। तो चेक करो यार इस ब्यूटी को, चेक करो जो कि आपको हिमाचल में मिलेगी। पूरी बाइक पीछे से मतलब हवा में हो गई थी ये यार। सो आगे वाली लोकेशन आती है, तो उधर से पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं। सो चेक करो यार, एक बाइक और आ चुकी है हमारे साथ, अपाचे 160 जो है। तो हमारा जो ड्यूक वाला भाई है वो गलत रास्ते में चला गया था, तो हमने उसे वहीं से भेज दिया है आगे, बिकॉज आगे सारे रास्ते मिल जाते हैं। सो गाइज अभी हमारे ग्रुप में 4 बाइक्स हो चुकी हैं, सभी आराम आराम से अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। तो मैं इस रास्ते से पहले नहीं गया हूँ, सो मैं पीछे चल रहा हूँ। क्या ही सीन रखा है, चेक करो यार। सोचा नहीं था मतलब कि अपना भी कभी ग्रुप बनेगा, लेकिन जो है वो है यार, सही है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन छोटा है तो क्या हुआ यार, जो है अपना है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं, बहुत गंदी वाली क्लोज कॉल थी, खतरनाक क्लोज कॉल ले रहा है वो NS वाला। क्रेजी मशीन से यार, तो गाइस आगे बंदे रुक चुके हैं पता नहीं क्यों। चेक करो यार आज का लाइनअप। सो गाइस चेक करो हमारे बीच, अरे हमारे भाई लोग के बीच से जो कि बहुत खतरनाक भागते हैं और ख़तरनाक हाइपर राइडिंग कर रहे हैं हम सभी लोग। सो अभी हम ऐसे ही बीच में पानी पीने के लिए रुक गए थे, बाकी चेक करते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस राइड दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। सो थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद फिर से राइडर पूरे चार्ज हो चुके हैं। और ये लीन चेक करो यार, क्या ही खतरनाक है। हम हला मैं 200 करना, भाई देखो खतरनाक तो भाई चले हुए हैं। मिर्चे ने अपनी गैंग वैंग वापस शुरू कर दी है।
एक हाथ से लीन कर रहा है। वो फक फक ऑलमोस्ट गैस था यार। यार भाई पता नहीं ले कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह डिसाइड की होगी इन्होंने, वो मेरे को कुछ पता नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ पहले। सो गाइस एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोड हो रहा है यहाँ पे। हाय इससे आगे जाने तो इम्पॉसिबल है। A few moments later. तो गाइस देख सकते हो हम कहाँ पे आ चुके हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। भाई यार कुछ व्यू है। So guys, हम घर की ओर निकल चुके हैं। So hope so आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं एक और मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा राइट सेफ।